आपको वार्डन मैडम ने बुलाया है। वो तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही है। हमारा? ओह, एक्चुअली उन्होंने उर्मी को बुलाया है। उर्मी तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ? चलो। हाँ। हे भगवान, कहाँ है हमारा शौर्य? वार्डन को मिल गया क्या? ओ हेलो, चलिए बुलाया है आपको। अरे बहुत भूख लगी है, सुनो मुक्ति, कि पूजा खत्म नहीं हुई अभी तक? देवर जी, पूजा खत्म होने के बाद ही खाना मिलेगा, आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। अरे जल्दी करो ना यार, जो करना है पूजा पूजा खत्म करो इसे, और क्या। हाँ कर रहे हैं ना, पहले माजी और अदिति तो आ जाए। यार तुम्हें ही आफत पड़ी थी ना, क्या जी आज ही अबॉर्शन करवाना अदिति का? सोचो सम्राट, क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, कंस मत बनो, गर्भस्थ शिशुओं को मारने वाले का नाश हो जाता नाश। कंस का भी हुआ था, कहीं तुम भी अपना सब कुछ मत गवा लेना सम्राट। पुत्र हो इसलिए और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही है हमें, लेकिन अकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। वो मैं समझ गया हूँ पुत्र हूँ मैं आपका, लेकिन आप आज तक अपने पुत्र के सपोर्ट में खड़े नहीं हुए, आज क्या होंगे भाई? अदिति जो करने गई है वो जरूरी काम है। आपका क्या है, अब आप दादा से बोर हो चुके हैं तो नाना सुनने की इच्छा जाग उठी आपके अंदर, चाहे कोई राक्षसी क्यों ना उठ के आ जाए आपको नाना नाना कहते कहते, है कि नहीं? लो माजी और अदिति भी आ गए। अभी हो गया काम, गिरवा दिया बच्चे को। गुड। दीवार पर जब पीपल का पेड़ उगा है तो उसे उगते ही जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, इसी में अकलमंदी होती है, नहीं तो कुछ ही सालों में दीवार को फाड़कर पूरी की पूरी इमारत को गिरा देता है, समझे पिताश्री? आप तो अकलमंद आदमी है भाई। अदिति तुम ठीक तो हो ना? अबाऊ इसे अंदर लेके जाओ, जाओ बिटिया थोड़ा आराम कर ले, जाओ। संभल। आप कहाँ बैठ रही है, चले जाइए, जाइए पूजा निपटाइए, भूख लग रही है मुझे। दादू 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 दादू। हाँ बेटा। आज भी शौर्य नहीं आएगा ना? नहीं बेटा। तो फिर आज हमारा खाना कौन बनेगा दादू? अरे कान्हा की मूर्ति है ना घर में, क्या जरूरी है क्या हर बार जीता जागता कान्हा मिला आपको? चले जाइए, कुछ खेलिए वेली जाके, हर चीज में फन चाहिए, बस जाइए। चल जा। सम्राट का है मुझसे कभी ये स्वीकारने नहीं देगा कि उसकी वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार बिखर गया है, और अब धीरे धीरे ये घर गर्त की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सम्राट अपने घमंड में कभी इसे देख नहीं पाएगा। और उर्मी कैसा लगा मेरे कान्हा का जन्मदिन मनाने का अरेंजमेंट? बहुत अच्छा है। वो देखो, वो रही मैडम। ओ हेलो, जाओ। ओ हेलो, ये कुर्सी उठा के साइड में लगा दो यार। शौर्य तो वार्डन के पास भी दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है शौर्य? मैडम मैडम हम 5 मिनट में आते हैं। ओ हेलो मैडम, कहाँ चले? मीना हमें बहुत जरूरी काम है, हम बस 5 मिनट में आते हैं। क्या हुआ, तुमने मैडम से बात नहीं की? हा? नहीं मैडम बिजी है, हम जल्दी बाहर जाते हैं अभी। उर्मी 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 कहाँ जा?
आ रही हो? रुको। धीरे धीरे हाँ संभालो, तुम यहाँ पर आराम करो, हम जूस भिजवाते हैं तुम्हारे लाने, ठीक है जी? बैठो, संभाल के। अतिथि, अरे यार कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, बात करने के लिए मरे जा रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रही। मैं माँ के साथ हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल क्यों? माँ मुझे अबॉर्शन कराने के लिए ले गई थी। क्या अबॉर्शन? एक हुकुम का इक्का हाथ लगा था, उसे भी गवा दिया इसने। ये क्या कर दिया तुमने अदिति? मैंने मना किया था ना कि कोई अबॉर्शन नहीं होगा, फिर हमारे प्यार की निशानी हमारे बच्चे को मार डाला तुमने। हमारा बच्चा, हमारा सपना, सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। अमृत एक मिनट प्लीज चुप हो जाओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने अबॉर्शन नहीं कराया है। सच अदिति? हाँ, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता। मैंने सबसे झूठ कहा है कि मैं अबॉर्शन करा चुकी हूँ। अच्छा, पर कैसे? माँ जी तुम्हारे साथ थी ना? हाँ, लेकिन जब डॉक्टर मुझे अंदर ले गई थी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने उनसे कहा कि ये बच्चा मुझे चाहिए, और वो मान गई। और मैंने उन्हें ये भी कह दिया कि ये बात वो किसी को ना बताए। ओह अदिति, आई लव यू, थैंक यू सो मच। मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती थी अमृत? मैं माँ हूँ उसकी, और कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी नहीं मार सकती। लेकिन इस बात को ज्यादा दिन तक छुपा के मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी अमृत। हाँ, तुम फिक्र मत करो अदिति, ये जो हमारा होने वाला बच्चा है ना, इसने मुझे बदल दिया है। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। बस तब तक तुम जो भी है वहां पर संभाल लो, हाँ? बाकी के लिए मैं हूं, हाँ? ठीक है, आई लव यू। अब देखना सम्राट, कैसे इस बच्चे का इस्तेमाल करता हूं मैं। अब आएगा मजा। आज के दिन भी तुम लेट आ रही हो। तुमको मालूम था ना आज जन्माष्टमी है, क्या तुमने नोटिस बोर्ड पर भी नहीं पढ़ा? सबने इतनी तैयारी की है धूमधाम से, और तुमने अपना कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं दिया। सॉरी मैडम, हमने नोटिस बोर्ड में पढ़ा नहीं था। अभी कहाँ जा रही थी? पूजा शुरू हो रही है। मैडम प्लीज बैठिए ना, पूजा शुरू हो रही है। ठीक है, चलो प्रोग्राम शुरू किया जाए। कान्हा कहाँ है मैडम? उसके बिना प्रोग्राम कैसे शुरू होगा? सुनो सुनो सुनो, हमारा प्यारा गाना भी आ चुका है, और अब आप सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाइए और इस खूबसूरत प्रोग्राम का मजा लीजिए। चलिए। शौर्य बेटा, आप कहाँ हैं? वार्डन के पास भी नहीं है, कहाँ ढूंढे आपको? ओ हेलो, चले? अरे चलो यार, बैठो। कान्हा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी? हमें हमारे बच्चे से मिलवा दो, हमें हमारे शौर्य से मिलवा दो। बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया।
कहाँ से लाई इतना सुंदर काना? मथुरा वृंदावन से। क्यों, अच्छा है ना? फोटो भेजा है मैंने, साथ में नाम और डिटेल्स भी हैं। 24 घंटे के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए, समझे? क्या समझे? कीमत जितनी चाहोगे उससे दुगनी मिलेगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हनी वर्मा जी, मेल मिला आपको? जी सर, मिल गया और मैंने काम करना भी शुरू कर दिया है। बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालेंगे। देखिए, जितना जल्दी काम होगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। ओके, याद रख। उर्मी की बच्ची, अब आप कब तक और कहां तक छिपेंगी मुझसे? कुत्तों की तरह आदमियों को लगा दिया मैंने आपके पीछे। कोई ना कोई तो सुनते सुनते पहुंच ही जाएगा। सम्राट सिंह राठौड़ को ललकारा है आपने। ये सम्राट जब कुछ ठान लेता है ना, तो भगवान को भी झक मार के उसकी मदद करनी पड़ती है। झक मार के। दादी के अगर बड़े बड़े दांत और नाखून निकल आएंगे तो हम क्या करेंगे? ये तो सबको खा जाएगी। हे किशन भगवान, रक्षा करो हमारी। अरे गाना के लिए प्रसाद तो लो। मैडम जी, कैसा लगा सब अरेंजमेंट? अच्छा है ना? सारा अरेंजमेंट तुमने बहुत अच्छा और बहुत शानदार किया। और सबसे अच्छी लगी मुझे कान्हा की परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच मीना। तुम भी कमाल करती हो यार। तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारा बच्चा अगर किसी और को मिल जाता तो तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाती। अरे वो तो शुक्र मानो कि तुम्हारा बच्चा मुझे मिला, नहीं तो तुम्हें हॉस्टल से निकाल दिया जाता। इसलिए तो हम तुम्हें थैंक यू कह रहे। थैंक यू सो मच। अरे मैं सब समझती हूँ। आपने बच्चे के लिए जो करती है ना, वो सब सही होता है। ये हमारी जान है मीना। एक मिनट भी आंखों से उछल हो जाता है
लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। शौर्य से हमारी जिंदगी शुरू होती है और शौर्य पे ही खत्म हो जाती है। इसलिए हमने सबसे झूठ बोलकर उसे छुपाकर यहाँ इस हॉस्टल में रखा। और कोई चारा नहीं था हमारे पास मीना, कहाँ रखते अपने बच्चे को। तुम रियली सॉरी। अब मुझे समझ आया कि उस दिन तुमने इतने खराब ढंग से मेरे मुंह पे दरवाजा क्यों बंद कर दिया था। मुझे बहुत बुरा लगा था। हाँ अब सॉरी, पर अब मुझे सब पता चल गया है तो कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हेलो, हो गई हैप्पी जन्माष्टमी? यार मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। क्या कहा था मैंने तुमसे? हाँ चेंज द वेन्यू, अब नहीं हो रहा है का क्या मतलब है भाई? सर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली मगर नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप वहीं पहुंचे, तो सर प्लीज इस बार थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए ना सर। क्या क्या नाम बताया था होटल का? क्या नाम है उसका? सर होटल का नाम है द पैराडाइज प्रेसिडेंसी। ठीक है बेटा, हमने चारों तरफ देख लिया है, अब छिपके लिए कहीं पे भी नहीं, प्रॉमिस। अब आप अच्छे से रहेंगे ना शौर्य? ओके मम्मा। की मम्मा अब कौन आ गया? मैं हूँ मीना। हम बस ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे। अरे वही तो मैं भी कह रही थी कि तुम्हें ऑफिस जाना है तो शौर्य को मेरे पास छोड़ जाओ, है ना शौर्य? Yes. पगला गई हो क्या तुम? तुम कहाँ सारा दिन इसे देखती रहोगी? और तुम्हें सोना नहीं है क्या अपनी ड्यूटी के बाद, ये जागती रहोगी पूरे दिन? अरे यार सोना वोना भी होता रहेगा, और वैसे भी मुझे इसके साथ रहना बहुत पसंद है ना शौर्य? Yes, मम्मा। Yes, मम्मा। Are you sure, मीना? मतलब तुम हमारे शैतान शौर्य को जानती नहीं हो, नचा के छोड़ेगा तुम्हें? ओ हेलो, मुझे अच्छे से पता है ये कितना शैतान है। और वैसे भी अगर हम एक दूसरे के काम आ जाएंगे तो क्या चला जाएगा? हाँ थैंक यू मीना। तुम शौर्य की टेंशन बिल्कुल मत लो, इसे मैं अपने साथ अपने कमरे में ले जाऊंगी। तो तुम जल्दी से अपनी ड्यूटी पे जाओ, और वैसे भी तुम्हें लेट हो रहा है ना। तुम दोनों टाइम पे खाना खा लेना, समझे? ओके मम्मा। ओके मम्मा। गुड मॉर्निंग सर, आइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, दिस वे प्लीज। डॉक्यूमेंट्स ले लिए? यस सर।
फाइल दिखाओ एक मिनट। ठीक है सर। देखा गलत लिखा ना तुमने भाई, मैं सोच रहा हूँ कुछ गलत लिखा तुमने। पेन दो एक मिनट। पेन नहीं है तुम्हारे पास? सर मैं पेन ले आता हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, पेन मिलेगा? श्योर सर, आपका कार्ड सर। अरे भाई पेन मिलेगा आज की तारीख में? नहीं मिलेगा। पेन प्लीज।